प्रतापगढ़ जिले के दरियावत क्षेत्र में जिस तरह आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करके गांव के अंदर घुमाया गया, और ये 3 दिन पुरानी घटना है, और उसका वीडियो बना के जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद पुलिस कार्रवाई करने के अंदर लगी है। तो 3 दिन जब घटना को हो गए, 3 दिन पहले वीडियो बनाया, तो गांव के अंदर आप मोबाइल भी, सरकार फ्री मोबाइल भी बांट रही है, बीट कांस्टेबल क्या कर रहा था, थाना क्या कर रहा था, आज थाना अधिकारी भाग रहे हैं, डीजी क्राइम को वहाँ भेज रहे हो, आप क्या कर लगे डीजी क्राइम वहाँ जाके मुझे बताएं। इतनी बड़ी घटना को जब वीडियो बना रहे थे तो शाम से पहले पहले वीडियो बाहर नहीं आना चाहिए था, उन तमाम अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार बलात्कार अपराध में नंबर एक हो गई, और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया राजस्थान के अंदर, ये उसी का परिणाम है। चाहे देश की पहलवान बेटियों के साथ जिस तरह शोषण की घटना हुई, तो बीजेपी के नेताओं का हाथ था उसके अंदर, बीजेपी के एक सांसद का हाथ था, उसको बचाया। और मणिपुर का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें बीजेपी पार्टी सारी की सारी उस घटना में पर्दा डालने के लिए तैयार थी। बीजेपी राज के अंदर भी जैसी बोध कांड से लेके जिस तरह की घटनाएं लगातार वसुंधरा जी के समय हुई, अशोक गहलोत के समय जो पुनरावृत्ति हुई, दलित युवती का थानागाजी का जो वीडियो वायरल किया, और सिर्फ चुनाव थे और चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ माहौल नहीं जाए इसलिए चुनाव में उसको FIR लॉन्च नहीं की, और वीडियो बाद में बाहर आया। आप बताइए, इलेक्शन जब प्रचार खत्म होगा उसके बाद वो वीडियो बाहर आता है और कार्रवाई होती है। थानागाजी की घटना से लेकर जिस तरह बलात्कार की घटनाएं हो रही, भीलवाड़ा के अंदर जिस तरह किसान की बेटी को, बेटी की निर्मम हत्या की रेप के बाद उसको जिंदा भट्टी के अंदर झोंक दिया, तमाम जो रेप की, ये जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर जिस तरह एक बीजेपी के संगठन से जुड़े लड़के रेप करते हैं रात भर, और जो घटना आ रही है उसमें बीजेपी के नेता मौन क्यों हो गए? मैं जोशी के बेटे के खिलाफ जब FIR लॉन्च होती है तो बीजेपी के नेता मौन क्यों हो गए? बीजेपी के नेता विधानसभा के अंदर क्या कर रहे हैं? जब शांति धारीवाल ने यह बयान दिया कि मर्दों का प्रदेश है, तो CM को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन बीजेपी ने मुद्दा नहीं बनाया। बीजेपी खाली अखबार में छपना चाहती है और चुनाव के अंदर सिर्फ वोट बटोरने के लिए वो मुद्दों को हाईलाइट करना चाहती है। बीजेपी कांग्रेस मिले में 25 साल से जो मिला जुली का खेल राजस्थान में चल रहा है, इसलिए हमारी बेटियां उसकी भेंट चढ़ रही है, नौजवान नशे की प्रवृत्ति के अंदर अपराध के अंदर जा रहा है, किसान आत्महत्याएं कर रहा है, और राजस्थान बदनाम हो गया भ्रष्टाचार के अंदर, पेपर लीक के अंदर। ये सारी जो घटनाएं हुई ये कांग्रेस बीजेपी के मिली भगत के कारण हुई। अशोक गहलोत का 98 शुरुआत होती है, फिर वसुंधरा आती है, फिर गहलोत आते हैं, फिर वसुंधरा आती है, और उसके बाद गहलोत आते हैं, और दिल्ली वाले कहीं ना कहीं इनको मदद करते रहते हैं। और जो ये आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करने की घटना है, इसमें जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित तमाम पुलिस के लोगों को, जिनको उसी दिन इस घटना की जानकारी होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई जानकारी 4 दिन तक, बताया मुझे? वो तो उसको निर्वस्त्र करके घुमा दिया, उसमें क्या बीतेगी, उसके परिवार पर क्या बीतेगी? अब आन फान में आप एक को गिरफ्तार नहीं कर पाए, अब ADG क्राइम को भेज रहे हो, क्या कर लेगा ADG क्राइम, बताएं मुझे? ADG क्राइम अकेला कर लेगा क्यों? हर जगह ADG क्राइम को भेज रहे हो, मुलजिम थोड़ी पकड़ पा रहे हो आप, ETC कर लेते हो 3 दिन बाद 4 दिन बाद, सिस्टम तो वही है आपका पुराना। तो मेरी इसके अंदर मांग थी कि मुख्यमंत्री जी, आपके अंदर जरा सी भी संवेदनशीलता बची है, ये बीजेपी के लोग तो बकवास करते रहेंगे, इन्होंने खुद क्या कर्म किए, कैसे हाथ मिलाए थे? महेश जोशी जो दोस्त थी बीजेपी के नेताओं की, चाहे झोरीलाल से, चाहे महेंद्र का मामला हो, चाहे दूसरा विदुड़ी का मामला हो, किस तरह इन्होंने कांग्रेस के लोगों की मदद की विधानसभा के अंदर, किस तरह घटनाओं से पीछे हटे, किस तरह बेक हो गए, और 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में विपक्षी भूमिका नहीं निभा पाई, एक बड़ा आंदोलन बीजेपी नहीं छेड़ पाई। 2-2, 3-3 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सचिवालय में जाएंगे, फिर कहते मेरे पे पानी की बौछार करो, मेरे अखबार पे फोटो छपाओ, मेरी फोटो आनी चाहिए, बयान आना चाहिए, इसमें ही भारतीय जनता पार्टी लगी रही। इसलिए विपक्ष की जो भूमिका राजस्थान में निभाई और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निभाई, अभी भी हम कुचामन के अंदर जिस तरह दलित युवकों की हत्या हुई है रीडवाड़ा कुचामन क्षेत्र के अंदर, हमारी पार्टी वहाँ बैठी है। आज हमारी पार्टी की कमेटी भी हमने बना दी, जो तीनों विधायक वहाँ दरियावत क्षेत्र के अंदर जाएंगे, प्रतापगढ़ जाएंगे, और ये घटना जो हुई है ये राजस्थान को शर्मसार कर देने वाली घटना है। ये मणिपुर की घटना से कम नहीं है घटना, ये मणिपुर की घटना जितनी गंभीर घटना है, लेकिन भाजपा वहाँ जाके इतिश्री कर लेगी और अपना काम कर लेगी, अपनी यात्रा में व्यस्त है भारतीय जनता पार्टी कि हमें यात्रा निकालें और वापस वोट कैसे प्राप्त करें, और इतनी डरी हुई है बीजेपी कि नए नए सगुफे इस प्रदेश और देश के अंदर छोड़ेगी लेकिन काम नहीं करेगी। जवानों को बर्बाद कर दिया अग्निपथ के अंदर, किसानों को बर्बाद कर दिया, और पहलवान बेटियों को दिल्ली ने न्याय नहीं दिया, और पहलवान बेटियों को इतना परेशान किया कि उस मुकदमे कोई आन फान के अंदर किस तरह कमज़ोर किया, मणिपुर की घटना इसका उदाहरण है। लेकिन आज जो हमारी आदिवासी महिला को जिस तरह निर्वस्त करके 3 दिन पहले गांव के अंदर घुमाते हैं प्रतापगढ़ दरियावत क्षेत्र के अंदर, उसमें पुलिस की संवेदनहीनता सामने आ रही है,
कांगे कलेक्टर, कांगे एसपी, कांगे वहाँ के जो मजबूत अपने आप को कहते हैं प्रतापगढ़ को कंट्रोल कर रहे हैं, एडीजी क्राइम कहाँ चले गए थे? इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या चार दिन बाद पता लगा? तो फिर क्या बीट सिस्टम है इनका? क्या ये पुलिस की पैरोकारी करते हैं? हमारी पुलिस, हमारी पुलिस। मैं कह रहा हूँ एसपी कलेक्टर को तुरंत हटाएं और पूरे थाने को सस्पेंड करें और थाने के उन बीट कांस्टेबल से उनको आरोपी बनाया जाए इस मामले के अंदर। क्या कर रहे थे वो लोग? ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मांग है, हमारे विधायक वहाँ जा रहे हैं। आवश्यकता पड़े तो आरोपी पूरे राजस्थान के अंदर आंदोलन करेगी। उस घटना के अंदर जितने भी दोषी है, जहाँ जहाँ नेगलिजेंस इस घटना के अंदर, ये तमाम लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।